सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो आपने देख ही लिया स्पिन हुक किक। आज का जो ट्यूटोरियल होने वाला है स्पिन हुक किक का होने वाला है, जिसको हम राउंड किक भी बोलते हैं। तो बहुत सिंपल और इजी टेक्निक्स है इसकी, आप बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो बने रहना इस वीडियो में। मैं हूं केशव पवार, मार्शल आर्ट और जिमनास्टिक ट्रेनर। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं स्पिन हुक किक करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको इस टाइप का कोई टारगेट ले लेना है, उसको समथिंग यहाँ पर रखना है अपने कमर के ठीक सामने। तो इतने लेवल में आप रखोगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको किक कैसे चलानी है। तो सबसे पहले तो आपको जिस किक को आपको हिट करना है उसको पीछे रखना है। हम डबल राउंड नहीं लेंगे, सिंगल राउंड में चलाएंगे किक को। नॉर्मल खड़े होना है और जो आगे वाला पैर है उसको ऐसे टर्न करना है, यानी कि अपनी कमर को ठीक अपने टारगेट के सामने रखना है। एंड देन टर्न करते हुए उसको देखना है, उस साइड में देखना है। एंड देन जो पीछे लेग है उसको सामने लेकर के आना है इस टाइप से। एक बार फिर से देखते हैं, नॉर्मल खड़े होना है, टर्न एंड टर्न। इतना टर्न आपको फर्स्ट स्टेप में लेना है, सिर्फ समझने के लिए। आपको पहले समझना है, उसके बाद मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा आपको किस तरह से टर्न लेना है और किक को पूरा कैसे चलाना है। तो फिर से देखते हैं एक बार और, नॉर्मल खड़े होना है, लेग को उठा करके टर्न करना है, कमर को पैड की तरफ रखना है। एंड देन पूरा घूमना है इस साइड को देखते हुए। एंड देन क्या किक को इतना उठाते हुए आराम से लेकर के आना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। इतना आपने सीख लिया है, अगर आपको समझ में आया तो हम बढ़ते हैं स्टेप सेकंड की तरफ। और सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, सेम वही अप्लाई करना है जो आपने पहले अप्लाई किया था। हैंड्स का मूवमेंट लेते हुए, इस बार हमें हैंड्स का मूवमेंट थोड़ा और अच्छा लेना है। शोल्डर्स को टर्न करते हुए देखते हैं कैसे, टर्न लाइक दिस, इतना टर्न होना है। देन लेग को इस बार हमें इतना कंट्रोल करके रखना है और फिर आराम से नीचे लेकर के आना है। एक बार फिर से देखते हैं, नॉर्मल देन शोल्डर से टर्न लेते हुए वन बैलेंस, और यहाँ इतना आपको लेकर के आना है स्टेप सेकंड में। अगर इतना आपका कंप्लीट हो चुका है, आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो हम बढ़ते हैं स्टेप थर्ड की तरफ। थर्ड भी इसी टाइप से हमें करना है। अब थर्ड में हमें आपको क्या करना है, इस बार हमने लेग को बैंड किया था, इस बार लेग को सीधा करने की कोशिश करना है। सेम वही कंडीशन, शोल्डर्स को टर्न करना है, टर्न एंड देन पीछे की तरफ घूमते हुए देखना है। इस बार क्या करना है, हमें हिट करना है एंड कंट्रोल बॉडी। फिर से देखते हैं एक बार और, सेम पोजीशन वन एंड टर्न करना है, बैलेंस एंड हिट, सिर्फ इतना करना है आपको। ये आपका थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप को आपको एक बार और करके दिखाता हूं, सेम कंडीशन वन टू एंड थ्री, यानी कि किक को हिट करना है और पैड के ठीक सामने रख सकते हो अपना बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा बैलेंस नहीं बनता है, इसलिए हमें इसको अप्लाई करना है। अब बढ़ते हैं स्टेप फोर की तरफ। फोर स्टेप में आपको क्या करना है, इसमें थोड़ी सी स्पीड लेकर के आनी है, यानी कि राउंड में हमें स्पीड लेकर के आना है और अपना बैलेंस भी बनाना है। देखते हैं कैसे, सेम। और अभी ध्यान रखना है, टारगेट को हमें ऊपर नहीं लेना है, नीचे ही लेना है। अगर टारगेट ऊपर रखोगे तो आपका बैलेंस नहीं बन पाएगा। देखते हैं फिर से, वन एंड टू, इजी, बहुत इजी है। आप एक बार समझोगे करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आप वीडियो में इतनी देर तक रुके हो, यानी कि आपके अंदर सीखने की क्षमता है, सीखने की इच्छा है आपकी, तो आप सीख सकते हो। तो आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, तब आपको आपका जो किक है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब देखते हैं इसमें और कितना इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं आप। अब थोड़ा सा इतना हमारा टर्न हो गया, अब हमें कोशिश करना है पैट को, पहले हमारा कमर के लेवल में था, अब स्टमक के लेवल में लेकर के आना है। इतना बैलेंस, इतना आपका आ रहा है, तो अब हमें इस पर फोकस करना है। इस पर फोकस करने के लिए आपको क्या करना है, सेम वही जो चीज़ें शुरू में बताई थी वही अप्लाई करनी है। शुरू वाली चीज़ ही एंड तक चलेगी, उसी से आप किक सीख जाओगे बहुत आसानी से। देखते हैं कैसे, सेम वही अप्लाई करना है, टर्न और बैलेंस भी हमारा इस लेग पर बनेगा। तो इसलिए इसका डिस्टेंस देख के रखना है कि हमें कितनी दूरी पर रखना है, ताकि हमारी किक परफेक्टली लगे। मैं यहाँ रखूँगा तो टर्न लूँगा तो मेरा किक जो है उसके हैंड पर लगेगी, तो इसलिए हमें डिस्टेंस का भी ध्यान रखना है। सेम वन टू, इजी। एक बार फिर से देखते हैं, इसको थोड़ा सा आप स्पीड में ले सकते हो। स्पीड कैसे आएगी आपके शोल्डर की टर्निंग से, देखते हैं कैसे, वन एंड हिट। फिर से एक बार और, वन एंड टू। तो आपको इतना अप्लाई करना है, बहुत इजी तरीके से आप सीख जाओगे। तो हम बढ़ते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। फाइनल स्टेप में आपको टारगेट अपना फेस के सामने रखना है। एंड देन इसमें हमें कोशिश करना है लेग को उठा करके लाइक दिस, ये टर्न स्पीड से लेना है। देखते हैं कैसे, कैसे वन, इसको स्पीड से टर्न लेना है और देखना कहाँ है, पैट की तरफ घूमते हुए।
इस टाइप से। फिर से देखते हैं कंडीशन क्या, इतना आपको देखना है और ध्यान रहे बैलेंस इस पैर पे रहेगा ना कि आगे वाले पैर पे, इसको तो फ्री छोड़ना है हमें, ठीक है। देखते हैं फिर से, टर्न एंड किक पूरा कंट्रोल करते हुए, फिर से देखते हैं, वन एंड हिट, इतना आपको करना है। जब आपका इतना आने लगे तो आपको प्रैक्टिस करनी है। इस किक को कम से कम 20-30 टाइम या 50 टाइम कर सकते हैं। जब आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपको मसल्स मेमोरी में और आपकी माइंड मेमोरी में इसको समझ में आ जाएगा आपको किक को कैसे अप्लाई करना है और कैसे चलाना है। तो अब देखते हैं फाइनल टच किक को हम कैसे करते हैं। पोजिशन सेम देन हिट, एक बार फिर से एंड किक। तो ये बिल्कुल स्पीड से चलती है, पलक झपकते हम सामने वाले को ठोक देते हैं किक के थ्रू। तो ये थी आज का हमारा ट्यूटोरियल। तो आई होप आपको जो मैंने टेक्निक बताई है समझ में आई होंगी, क्योंकि सबसे सिंपल और बेसिक तरीके से आपको सिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो और भी मार्शल आर्ट के और जिमनास्टिक के ट्यूटोरियल्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर लेना। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।